नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की हमारी हिंदी की क्लास जो होने वाली है वो है हमारी रीतिकाल। तो इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस ले रखी हैं हिंदी साहित्य की, और ये आपकी तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम्स में बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितना कम समय में समझते हुए हम लोग करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। ये चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चार भागों में क्या किया गया दोस्तों, बांटा गया है। और इसमें अगर मैं कालक्रम विभाजन की बात करूं तो 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850 और 1850 से अब तक। अब यहां पर समय में आपको डिफरेंस मिलता रहेगा, जैसे यहां पर एक विभाजन और आपको मिलेगा 743 से 1343, और अब यहां पर 50 की जगह पर सब आप 43 करते हुए चले जाइए तो ये भी एक विभाजन मिलेगा, इसीलिए आपसे समय नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे विभाजन आदिकाल हमने पढ़ लिया, भक्तिकाल पढ़ लिया, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रीतिकाल पढ़ने वाले हैं, तो एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए आगे अगर मैं बात करूं कि जो पिछली क्लास थी उसमें एक त्रुटि हो गई थी, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा भी था, किसी भी क्लास में कोई भी त्रुटि अगर होती है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देखा करें, मैं वहां पर कमेंट्स को टैग कर देता हूं। जैसे वहां पर कबीर की भाषा जो है ना, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी तो कही जाती है, किसने कहा था ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो सदुक्कड़ी जो है किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। इसमें कंफ्यूजन सबको होता है, याद करने का ट्रिक आप लोग समझ लीजिए। सदुक्कड़ी में क्या है, सा है, सा से शुरू होता है, सदुक्कड़ी सा से शुरू होता है, तो जो सा से शुरू होता है उसको सा वाले ने नहीं कहा है, सा वाले मतलब श्याम सुंदर दास। सा से सदुक्कड़ी शुरू होता है तो ये सा वाले ने नहीं कहा है, मतलब श्याम सुंदर दास ने नहीं कहा है, तो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और पंचमेल खिचड़ी, अब बचते हैं श्याम सुंदर दास, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि अब पंचमेल खिचड़ी में कौन आएंगे, तो ये आएंगे श्याम सुंदर दास। मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो इनका जो है बीजक है, ठीक है, कबीरदास जी का बीजक है, इसका संग्रह जो है किसने किया था, साखी सबद रमैनी के रूप में बीजक जो संग्रह था किसने किया था, मैंने ऑप्शन दिया था रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, और एक दिया था धर्मदास, और मैंने देखा कि जो ज्यादातर वोट पड़ा वो रामचंद्र शुक्ल पर पड़ा है, जो कि गलत है। धर्मदास जो कि इनके शिष्य थे उन्होंने इसका संग्रह किया है, पिछली क्लास में इस पर हम लोगों ने बात कर रखी थी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं किस पर दोस्तों, रीतिकाल पर, 1650 से 1850। इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं लेकिन जितनी पूछी जाती हैं उतना हम लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। देखिए रीतिकाल, सबसे पहले तो इसके नामकरण की हम बात कर लेते हैं कि रीति इसका नाम क्या है, उत्तर मध्यकाल इसको कहा जाता है। सबसे पहले एकदम सामान्य विभाजन समझिए, इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। अब यहां पर बात करें कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नामकरण दिया गया, लेकिन नामकरण के पीछे कुछ राज रहा होगा, अभी मैं आगे बात करूंगा कि किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है, और मैंने बताया उन्हीं का विभाजन जो है वो सर्वमान्य किया गया है। तो रीतिकाल क्यों कहा गया, तो यहां पर शब्द आता है रीति, ठीक है, तो रीति का क्या अर्थ होता है, रीति का अर्थ होता है ना कि एक तरीका होता है, क्या है, तरीका है, या इसे हम कह सकते हैं एक परंपरा के तहत, है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रीति है, परंपरा है, ठीक है, कुछ लक्षण है, तो इन पर आधारित जो भी यहां पर रचनाएं हुई हैं तो उन्हीं रचनाओं के आधार पर इसका नाम रख दिया गया रीतिकाल, ठीक है। तो रीतिकाल में रीति को फॉलो किया गया है, मतलब तरीका, परंपराओं को पालन उसका किया गया है, और इसके जो ग्रंथ हुए इनको लक्षण ग्रंथ कहा गया, क्या कहा गया, लक्षण ग्रंथ कहा गया। ये हो सकता है कि कभी परीक्षा में पूछे ही ले कि लक्षण ग्रंथ क्या है, तो लक्षण ग्रंथ दोस्तों क्या है ये समझिए, लक्षण का मतलब होता है ना कि जो काव्य के गुण होते हैं, क्या है, काव्य गुणों को जब ये समाहित करता है,
ऐसे ग्रंथ जिनमें जो है काव्य के गुण, ग्रंथ जिनमें काव्य के गुणों का समावेश किया गया है। अब आप कहेंगे काव्य गुण क्या है, काव्य तत्व क्या है, तो क्या होगा, रस है, ठीक है, छंद है, अलंकार है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि छंदों का अजायब घर आपको मिल जाएगा, इतने छंद की, छंदों का अजायब घर, इतने अलंकार की, 100 100 150 अलंकार ही लिखे जा रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, छंदों का अजायब घर, अलंकार ढेर सारे, रस है, छंद है, अलंकार है, कवित्व है, इस तरीके से सारी चीजों का इसमें समावेश किया गया, इसीलिए जो है लक्षण ग्रंथ कहे गए। इसके जो ग्रंथ लिखे गए, आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना सबसे ज्यादा हुई है, तो आप कहेंगे कि रीति काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। जैसे आप बिहारी पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो अलंकार का प्रयोग हुआ विरोधाभास अलंकार, कि डूब तो रहा है श्याम रंग में लेकिन कैसा हो रहा, उज्ज्वल हो रहा है, मतलब कि कृष्ण भक्ति में जो डूबता है, श्याम रंग में जो डूबता है वो कैसा होता है, वो और निखर जाता है और उज्ज्वल हो जाता है, तो विरोधाभास अलंकार बिहारी सत्संग में आपको मिलेगा ये, है ना। ये सारी चीजें क्या करना है आपको, एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलना है जहां भी ये चीजें आ जाए, ताकि आपको जरा सी भी समस्या उसमें आए ही ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं कि नामकरण की। अब नामकरण जो है कैसे किया गया है, तो देखिए नामकरण भी उसके गुणों पर आधारित है। जैसे पहला नाम हम लोग देखते हैं अलंकृत काल, तो अलंकृत काल का मतलब क्या है, अलंकृत का मतलब क्या होता है, जो सजाया गया हो, जिसको अलंकृत अलंकार से अलंकृत किया गया हो, मतलब सजाया गया हो। अब सजाया जाएगा किससे, तो रस छंद अलंकार इनका प्रयोग, तो सबसे ज्यादा अलंकार। अब इसको किसने कहा, तो ये कहा है मिश्र बंधु ने। अब आपका काम है कि मिश्र बंधु कौन कौन है, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तीन नाम है मिश्र बंधु में, जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ा रहा था, तो यहां एक है मिश्र बंधु विनोद, क्या है, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास है मिश्र बंधु विनोद के नाम से, तो उसी जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो ये पुस्तक है उसकी रचना मिश्र बंधुओं ने की है। मिश्र बंधु कौन कौन है ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप उत्तर फटाफट लिख दीजिए। आगे कहते हैं रीतिकाल, तो मैंने रीतिकाल के बारे में आपको बताया कि जिन्होंने रीति परंपराओं को जो है पूर्ण रूप से फॉलो किया है, तो उसी के आधार पर इसे रीतिकाल कर दिया गया। समझिए क्या है यहां पर, तो रीतिकाल कर दिया गया। किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कह दिया, इसे रीतिकाल कह दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर एक चीज देखिएगा, इनकी इनका एक निबंध है, निबंध संग्रह कह सकते हैं, क्या है इनका, है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये इनका निबंध संग्रह है, ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आप यहीं पर याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है, चिंतामणि। और अभी एक आपको कवि मिलेंगे चिंतामणि के नाम से, कवि कुल कल्पतरु उनकी रचना होगी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ये चिंतामणि रचना भी है और एक कवि का नाम भी, रचना जो है रामचंद्र शुक्ल जी की है और कवि जो है वो रीतिकाल के आपको कवि मिलेंगे। तो रीतिकाल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया। यहां पर बात करें श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल किसने कहा, मतलब कि इस काल में श्रृंगार परक रचनाएं ज्यादा हुई, मतलब कि श्रृंगार जो रस है उसको समाहित किया गया है इसमें, तो इसीलिए इसको श्रृंगार काल किसने कह दिया, तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद जी ने। किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने, ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद जो है इन्होंने क्या कह दिया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा, श्रृंगार काल कह दिया, क्योंकि श्रृंगार पर रचनाएं ज्यादा हुई। कला काल किसने कहा है, देखिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कला काल, क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसको कला काल कहा है रसाल ने। किसने कहा है, रसाल ने कहा है, ये उपनाम है किसका है, तो रमा शंकर शुक्ल का, किसका है, रमा शंकर शुक्ल का नाम है रसाल,
तो उपनाम आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत बताएंगे कि जो रसाल उपनाम है ये किसका है, ये है रमा शंकर शुक्ल का और इसे इन्होंने कहा कलाकाल। क्या कहा? कलाकाल है, मतलब कि जो अलंकार रस छंद इनको प्रयोग करने की कला है वो इसमें सबसे ज्यादा रीतिकाल में दिखी, इन्होंने कहा इसे कलाकाल कहा गया है। तो चार नामकरण अलंकृत काल किसने कहा, तो ये कहा है मिश्र बंधु ने और मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और कलाकाल किसने कहा, तो रसाल मतलब रमा शंकर शुक्ल ने कहा। यहां दो क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, एक रसाल उपनाम और एक आपका कलाकाल किसने कहा है, ठीक है। एक और आपको मिलता है रीति काव्य, रीतिकाल नहीं, रीति काव्य किसने कहा। तो रीति काव्य देखिए यहां पर एक आपको मैं बात बताता हूं कि रीतिकाल जो है सबसे पहले तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को रीतिकाल कहा, लेकिन रीति शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किसने किया, तो ये किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले रीति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने क्यों किया था, उन्होंने इसके नामकरण में नहीं किया था, बल्कि जो इसकी रचनाएं हैं उसकी प्रवृत्ति को लेकर के इन्होंने कहा कि ये रीति काव्य रचनाएं हैं, मतलब रीतियों पर आधारित है। तो उन्होंने रचनाओं के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में कहा कि ये रीति काव्य है, जो है जो भी रचनाएं रीति काव्य है, लेकिन रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, ठीक है। अब तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहां मिश्र बंधुओं के नाम मैंने पूछा था, गणेश श्याम सुखदेव, क्या है गणेश श्याम सुखदेव, गणेश बिहारी श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी सबके आगे मिश्र लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो रीतिकालीन रचनाएं हुई, ठीक है, तो रचनाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। कैसे वर्गीकरण किया गया, तो ये समझिए, मैंने कहा कि रीतिकाल मतलब कि रीतियों को फॉलो करते हुए, रीतियों का पालन करते हुए रचनाएं हुई, मतलब रीतियों के आधार पर रचनाएं हुई। अब अगर यहां बंटवारा किया गया तो उन्हीं रीति के आधार पर बांट भी दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भागों में बांटा गया, ये समझिए कौन कौन से, ठीक है। देखिए एक है रीतिबद्ध, ठीक है, क्या है दोस्तों, एक है आपका रीतिबद्ध, एक है आपका रीति सिद्ध, ठीक, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, और एक है आपका रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पंक्तियों को अभी नहीं करा रहा हूं कि कौन सी पंक्ति किसने कहा है, लेकिन एक सेशन मैं ऐसा लूंगा जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल और वीरगाथा काल तीनों को, मतलब एक दो सेशन में मैक्सिमम, छोटे छोटे होंगे उनमें मैं आपको जो आपसे इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं उनको मैं यहां पर करा दूंगा, ठीक है, एक ही सेशन में वो कंप्लीट करा दूंगा, बाकी इसको हम लोग देखते हैं। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो ये आपको तीन प्रकार की रचनाएं आपको मिल जाएंगी। अब यहां पर बात होती है कि ये है क्या, क्यों जो है कहा गया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो रीतिबद्ध रचनाएं हुई, देखिए अगर मैं उस तरीके से भी बात करूं तो दो भागों में बांट दिया गया था, जो इसकी प्रवृत्तियां थी, रचनाओं को नहीं, प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा गया। एक है जो रीति निरूपण करते थे, एक है जो श्रृंगारिकता की तरफ बढ़े थे, ठीक है। रीति निरूपण का मतलब ये हो गया कि जो रस छंद अलंकार इनको केवल लेके चले, श्रृंगारिकता का मतलब हो गया जिन्होंने श्रृंगार रस को लेकर के आगे अपना, अपनी काव्यधारा आगे बढ़ाई। तो दो प्रवृत्तियां इसमें है, एक रीति निरूपण है और एक श्रृंगारिकता है, दो प्रवृत्तियां आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो काव्यों का विभाजन किया गया ना, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध के रूप में किया गया है, तो हम इसी के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए, जो रीति रीतिबद्ध जो हुए, इसमें क्या हुआ, बद्ध मतलब ये रीतियों से बंधे हुए थे। कैसे थे, बंधे हुए थे। अब देखिए जो भी ग्रंथ लिखे गए उनको जन काव्य नहीं कहा गया, क्या कहा गया, जन काव्य नहीं कहा गया, बल्कि यहां की रचनाओं को सामंत काव्य कहा गया। क्या कहा गया, सामंत काव्य कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि जो कवियों की रचनाएं हुई वो बंध करके हुई,
बध करके मतलब किससे बध करके, तो जो सामंत हुए जो उस समय राजा थे उनसे बध करके रचनाएं हुई, इसीलिए ये जनकाव्य नहीं रह गया। अब बध करके रचनाएं हुई तो आप समझ सकते हैं किसी के प्रभाव में कोई रचना की जाएगी तो उसकी बड़ाई या बुराई क्या की जाएगी। तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है कि आप बड़ाई करेंगे, आप मेरे मुंह पे मेरी बुराई कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, पीठ पीछे चाहे जैसे जो भी कहें, है ना। तो ये चीजें हैं। तो उस समय जो रचनाएं हुई वो राजाओं के प्रभाव में उनकी बड़ाई गाने में हुई, ठीक है, सामान्य भाषा में कहें तो उसकी बड़ाई गाने में हुई, इसीलिए ये जन काव्य नहीं बन पाए। जन काव्य मतलब जनता के काव्य नहीं बन पाए, बल्कि ये सामंत काव्य बन गए, राजाओं का जो है ये प्रचार प्रसार उनका गुणगान करते रह गए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि वो सारी रचनाएं कैसी थी, जन काव्य नहीं थी। तो रीतिबद्ध के जो कवि हुए वो रीतियों से बद्ध कर, मतलब कि रस छंद अलंकार इन सभी का प्रयोग इन्होंने जम के किया, एकदम किस लिए किया, राजाओं की बड़ाई करने के लिए किया। तो मतलब कि इनके काव्यों में जो लक्षण हैं वो भरपूर आपको दिखेंगे, और कैसे दिखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से एकदम भरपूर दिखेंगे, ठीक है। तो जो रीति सिद्ध आपके कवि हुए उसमें हुए जो प्रमुख हुए वो हुए केशव दास हुए, ठीक है। ये आपसे कभी पूछ भी सकता है कि केशव दास रीति सिद्ध थे, रीतिबद्ध थे, रीति मुक्त थे, सबसे ज्यादा बिहारी का पूछता है कि वो किस तरह के थे, ठीक है। केशव दास हुए, चिंतामणि जो अभी मैंने बात करी थी कि चिंतामणि निबंध किसका है, तो शुक्ल जी का है, और चिंतामणि एक कवि भी है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चिंतामणि हो गए, और देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे कवि इसमें हुए, जैसे कृपा राम है, मति राम है, देव है, कृपा राम याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, कृपा राम है, मति राम है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं देव है, पद्माकर है, तो ये जो कवि है इनकी रचनाएं मैं आगे आपको बताता हूं। ये जो कवि हुए ये कवि किसके हुए, तो ये रीतिबद्ध वाले हुए, मतलब ये राजाओं से बद्ध कर रचना करते थे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं भूषण भी जो थे ये भी इसी में आए, इन्होंने प्रशस्तियां लिखी ढेर सारी। तो भूषण जो हुए ना ये किसके, जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो थे, तो उनके उनकी जो है ढेर सारी प्रशस्ति रचनाएं की इन्होंने, तो आप समझ सकते हैं रीतिबद्ध है ना, मतलब कि राजाओं की बड़ाई की इन लोगों ने। रीति सिद्ध की बात करें कि रीति सिद्ध क्या होते हैं, रीति सिद्ध वे कवि हुए जिनको इनके बारे में लक्षणों के, रस छंद अलंकार रीतियों का एकदम ज्ञान तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन उन्होंने उससे बध करके रचनाएं नहीं की। वो सिद्ध थे, उन्होंने उसका प्रयोग भी किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किया, मतलब कि इसमें रीति का छाप आपको मिलेगा लेकिन वो बध करके नहीं। जैसे इसके जो कवि हुए वो हुए बिहारी, कौन हुए, बिहारी हुए। तो बिहारी हुए दोस्तों, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे बिहारी हुए। एक और कवि का नाम आता है, रसनिधि का नाम आता है, ठीक है, रसनिधि सैयद गुलाम, इनका नाम आपको बताएंगे हम आगे, सैयद गुलाम नबी इनका जो नाम था बचपन का वो था, और इनको रसनिधि बाद में कहा गया, ठीक है, माफ कीजिएगा इनका नहीं था, वो रसलीन का था, रसनिधि का नाम नहीं था गुलाम, ध्यान रखिएगा वो था रसलीन का था, रसनिधि का नहीं। चलिए तो बिहारी जी, अब देखिए बिहारी जी ने, ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान है कि राजा जयसिंह, ये पूछ सकता है आपके कि किसके, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या किया, रीति सिद्ध तो थे लेकिन इन्होंने केवल गुणगान नहीं किया, जैसे इन्होंने कहा अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह जो अपने रानियों के बीच में ही वो उसी भोग विलास में रह गए थे, उनको इन्होंने क्या किया, अपने पंक्तियों के माध्यम से दिखाया, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल, जो अभी जो है कली, उनका कहने का मतलब था कि जो महिलाओं के बीच में अभी भोग विलास में बधा है, आगे सोचिए क्या हाल होगा उसका। तो उसके माध्यम से, मतलब इन्होंने केवल बध कर रचनाएं नहीं की, ये सिद्ध तो थे लेकिन बध कर रचनाएं इन्होंने नहीं की। तो बिहारी को आप याद रखेंगे कि रीति सिद्ध थे, रीति मुक्त, कुछ लोग इनको रीति मुक्त मार देते हैं ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब रीति जो मुक्त थे उन्होंने रीतियों से एकदम हट करके रचनाएं की, ठीक है, मतलब लक्षण ग्रंथों को फॉलो नहीं किया, लक्षणों को काव्य के जो है उनको फॉलो नहीं किया, रीतियों से हट करके रचनाएं की। जैसे आते हैं इसमें घनानंद है, कौन है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठीक है, ठाकुर है, द्विज है, द्विजदेव जिन्हें कहते हैं, द्विजदेव,
तो ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी आते हैं रीतिमुक्त कवियों में। किसमें आते हैं दोस्तों, रीतिमुक्त कवियों में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको घनानंद बोधा आलम ठाकुर ऐसे चार बार कहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो, तो ये आपको ध्यान में रखना है चारों के बारे में, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं प्रमुख प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि यही आपके प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए बिहारी सतसई, दो चीजें यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, दो तीन चीजें जितनी भी मैंने पढ़ाई वो पूछने वाली ही चीजें हैं, जैसे नामकरण है, ठीक है। अब आपसे रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध कवियों के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन से आते हैं, उसके बाद आपसे रचनाएं पूछेगा, और चौथी चीज पंक्तियां, चार चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। अब देखिए बिहारी सतसई, बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं, कितने हैं 719 दोहे हैं, और बिहारी ने इसकी रचना की है। बात आई बिहारी तो लोगों को लगता है ये बिहार के हैं, बिहारी इनका नाम था दोस्तों, बिहार के नहीं थे। इनका जन्म कहां पर हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, और ये कहां, राजस्थान, आमेर के राजा जय सिंह, किसके, आमेर के राजा जो है जय सिंह, तो उनके ये दरबारी कवि थे, किसके, जय सिंह के दरबारी कवि थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके दरबारी कवि थे, जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ने अपने दोहों के बारे में क्या कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना। इन्होंने कहा कि सतसई के जो दोहे हैं देखने में भले छोटे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, नाविक के तीर की तरह हैं, कि जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं, है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो और दूसरी चीज, सप्तसई, सप्तसई मतलब सप्त मतलब सात, सई मतलब सौ, तो जिसमें 700 दोहे हो वही क्या होगा, सप्तसई होगा, मतलब कि 719 दोहे हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं, अब इनकी एक और रचना है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, और जो किशोरावस्था में होता है उसको तो ये वाला दोहा एकदम पूछिए मत, इंटरमीडिएट के बच्चों को आप पढ़ा दीजिए ये दोहा, तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि बस दुनिया इसी में ही है, ठीक है। तो बिहारी जी ने वैसी वैसी ही रचनाएं कर रखी हैं, एकदम श्रृंगारिकता को भी इन्होंने एकदम बहुत अच्छे से फॉलो किया है ना। तो यहां आगे देखते हैं, आगे है रामचंद्रिका कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये रचना किसकी है, केशवदास की है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में आते हैं, एक तो है केशवदास और एक है चिंतामणि। केशवदास को किसने कहा और चिंतामणि को किसने कहा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर प्रवर्तक पूछता है तो ध्यान में रखना है। केशवदास को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने, जो इतिहासकार है ये भी, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। क्यों कहा, इनकी जो रामचंद्रिका रचना, देखिए केशवदास जी के बारे में मैं एक चीज आपको बताता हूं कि इनका जन्म भक्ति काल में हुआ और इनका जीवन काल पूरा भक्ति काल में ही रहा, लेकिन जो इनकी रचनाओं के लक्षण हैं वो रीति काल के अनुसार है। तो कहा यह जाता है कि ये अगर समय देखा जाए तो समय के हिसाब से ये भक्ति काल के हैं, लेकिन रचनाओं के हिसाब से ये किसके हो जाते हैं, रीति काल के कवि हो जाते हैं, ठीक है। इनकी एक रचना रामचंद्रिका जो कि श्री राम भक्ति काव्य धारा की है, उसी के आधार पर ये श्री राम भक्ति काव्य धारा के कवि में आते हैं, बाकी कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो है ये इनकी रीतिकालीन रचनाओं में आती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, रामचंद्रिका जो है ये भक्ति काल की रचनाओं में आता है। रामचंद्रिका के बारे में एक चीज लिख लीजिए कि इसे जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। छंदों का क्या कहा जाता है, अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। यहां पर देखिए कवि प्रिया, अगर मैं कहूं कि जो पूर्ण लक्षण ग्रंथ है रीतिकाल का, पूर्ण लक्षण ग्रंथ जो है वो पहला कौन सा है, कवि प्रिया है। कवि प्रिया जो है ये इसका पहला पूर्ण लक्षण ग्रंथ है, किसका, रीतिकाल का। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, पहला पूर्ण लक्षण ग्रंथ कौन सा है, ये है कवि प्रिया। और दोस्तों इनके जो ख्याति का आधार बना है रीतिकाल में, वो कवि प्रिया ही बना है। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे, ठीक है।
अब एक चीज और, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। अब बात आई कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत। इन्होंने छंदों का इतना प्रयोग कर डाला है, इसीलिए छंदों का आजाय घर की इनका जो काव्य बहुत कठिन हो गया। और किसने कहा इन्हें? तो शुक्ल जी ने कहा, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये केशवदास जी क्या है, ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना इनके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कवि कुल कल्प तरु और रस विलास और श्रृंगार विलास। ये किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। अब देखिए चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि ये जो है रीतिकाल, चिंतामणि त्रिपाठी ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माना है। इनको किसने माना है? शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रचनाएं इनकी ये वाली इंपॉर्टेंट है, पहली वाली वही पूछता है कवि कुल कल्पतरु, तो किसकी है? चिंतामणि की है, तो ध्यान में रखेंगे। आगे जो बात करें हित तरंगिणी, तो हित तरंगिणी रचना है कृपा राम की। और रचनाओं की दृष्टि से अगर हम बात करें, ठीक है, रचनाओं की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जो पहली रीतिकालीन रचना मानी जाती है हित तरंगिणी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो रामचंद्रिका सबसे पहले लिखी गई है, लेकिन ये किसमें आ जाती है? ये आपकी आ जाती है भक्ति काल में, ठीक है। अब उसके आगे अगर आते हैं तो सबसे पहले लिखी जाती है हित तरंगिणी कृपा राम की, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगली रचना है ललित ललाम और रसराम, रसराज जो है ये मतिराम की रचना है, ललित ललाम और रसराज, ठीक है। तो ये रस विलास और रसराज दोनों में अंतर समझिए, रस विलास है चिंतामणि की, ठीक है, और राज किसका है? तो राम का। तो राम राजा थे तो रसराज हो गए, और यहां विलास की बात आई तो चिंता होने लगी, ठीक है, तो दोनों आप याद करके चलेंगे। आगे बात करते हैं जग विनोद, गंगा लहरी और पद्माभरण, ये रचनाएं किसकी है? तो ये है पद्माकर की रचनाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रचना है, इसमें कौन सी? एक जग विनोद है और एक गंगा लहरी, ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये दोनों रचनाएं जो हैं ये किसकी प्रशस्ति में लिखी गई? तो ये जो हैं शिवाजी, ठीक है, जो मराठा थे शिवाजी उनके प्रशस्ति में लिखी गई हैं। तो ये और ये जो है छत्रसाल जो राजा थे उनकी प्रशस्ति में रचना लिखी गई, तो ये ध्यान रखेंगे। और भूषण ने जो भी लिखा वो कैसी रचनाएं लिखी? प्रशस्ति परक रचनाएं, मतलब कि प्रशस्तियां इन्होंने लिखी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। बाज है, तुरंग साज, इस तरीके से एक रचना है ना इनकी, वीर रस से भरी हुई है थोड़ा, और क्या प्रशस्ति बताती है? किसकी? शिवाजी के बारे में एकदम बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना प्रशस्ति, इसीलिए ये पूछा गया था, ठीक है। तो तीन रचनाएं आप इनकी याद रखेंगे। किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये शिवाजी के ही दरबारी कवि थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे आपका है सुजान हित, ठीक है, सुजान हित और इश्कलता, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये है घनानंद की। किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की रचनाएं हैं। एक जो है इनकी पंक्ति पूछा जाता है, पंक्ति कौन सी है? अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। कौन सी? अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, स्नेह को मार्ग है, अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। ये मैं लास्ट में कराऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है घनानंद ने, इनके जो प्रशस्ति का जो जो है आधार बना सुजान हित बना था, ठीक है। तो सुजान हित और इश्कलता ये दोनों किसका? घनानंद। श्याम स्नेही आलम केली, तो आलम से कौन हो जाएंगे? आलम। तो श्याम स्नेही और आलम केली किसका है? ये है आलम का। और एक आपकी रचना है रतन हजारा, ये है रसनिधि की रचना है रतन हजारा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, देव की रचना है। देखिए ये सारी रचनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शुरू की है, तो आपको ज्यादा ध्यान शुरू वालों पर देना है, ठीक है। ये रचनाएं तो मैंने इसलिए बताई कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको कंटेंट चाहिए होता है कि इन्होंने तो बहुत कम पढ़ाया, ठीक है, तो आप उनके लिए ये भी है।
अब एक और है रस प्रबोध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रस प्रबोध इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? रसलीन ने लिखा है। ये पूछ लेता है कि कैसे कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि हैं। मैंने बताया दो कवियों का नाम, बिहारी और रसलीन। रीति सिद्ध इनका जो नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन का नाम था, तो ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये रही आज की पूरी क्लास। उम्मीद करता हूं कि रीतिकाल आप लोगों को बेस्ट लगा होगा, मजा आया होगा और आप लोगों को पढ़ने में भी आनंद आया होगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अब कर सकते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो है जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।